क्लास टेंथ, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। देख रहे हो पहला क्वेश्चन, ये डाउट्स हैं आपके छः, तीन तो यहाँ पे, तीन अभी और दे रहा हूँ। पहला डाउट मैं बता रहा हूँ, सॉल्यूशन तरीका क्या होता है, आप उसको ढंग से पढ़िए। मैंने इस पर अंडरलाइन किया हुआ है, तो क्वेश्चन पढ़ लो पहले अच्छे से, ऐसा पढ़ लो कि डाटा आपके दिमाग में फिट हो जाए, ठीक है, दिमाग में फिट हो जाए डाटा, फिर सॉल्यूशन का फायदा है। तो वीडियो रोक के आप पहले क्वेश्चन को ढंग से पढ़ लीजिए, फर्स्ट क्वेश्चन। अब जरा एक बात बताओ, इसमें क्या है, एक तो पोल है 7.5 मीटर लॉन्ग, उसका शैडो कितना है 5 मीटर, उसी समय एक टावर भी है जिसका शैडो कितना है 24 मीटर का शैडो है ना ये। तो ये आपका पोल का टॉप है, ये शैडो का लास्ट है, ये जो एल्टीट्यूड, ये जो एंगल है ना, ये इसको बोलते हैं सन्स एल्टीट्यूड। यहाँ पे सन्स होगा ना, तो सन्स एल्टीट्यूड इसको बोलते हैं, यहाँ पे लिख लूँ क्या इसको बोलते हैं सन्स, मेरी राइटिंग का तो इश्यू है ही, सन्स एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड। अब एक बार बताओ, जिस समय सन्स एल्टीट्यूड थीटा होगा, उसी समय चाहे वो छोटा सा पोल हो, चाहे वो हिमालय पहाड़ हो, चाहे वो बुर्ज खलीफा हो, सबके साथ एक ही एल्टीट्यूड होगा। भला सन के सामने जो इतनी दूर पे है, उसके लिए 2-3 किलोमीटर का हाइट क्या मायने रखता है। तो ऐसे केसेस में अगर ये थीटा है ना, ये मैंने लिया टावर, और ज़मीन पे ही शैडो होता है, शैडो हवा में तो नहीं होता ना, शैडो ज़मीन पे है ना, इसका भी एल्टीट्यूड कितना होगा थीटा। और आपको पता है चाहे टावर हो चाहे पोल हो, वो ज़मीन के साथ बिल्कुल सीधा होता है ना, परपेंडिकुलर होता है ना। तो ऐसे केसेस में इस तरीके से फिगर बना लेना है, और दोनों देख रहे हो, दोनों का दोनों क्या है सिमिलर है ना, इसको चलो मैं पी क्यू आर मान लेता हूँ है ना, इसको मैं ए बी सी मान लेता हूँ। यहाँ से ए बी क्या हो गया पोल, देख रहे हो लेंथ के हिसाब से, और ये टावर, टावर का लेंथ ही निकाला, उसका शैडो का लेंथ दे रखा 24 मीटर। तो कौन सा पी क्यू आर सिमिलर टू क्या ए बी सी, क्योंकि देख रहे हो ये क्यू 90 डिग्री है, तो यहाँ पे बी 90 डिग्री है, ये आर थीटा सन्स एल्टीट्यूड, सी थीटा सन्स एल्टीट्यूड, ऐसे भी बना सकते हो। इसके बाद आपको पता है हमें PQ चाहिए, इस हवा में जो लटका है इसका कोई रोल नहीं है, तो PQ अपॉन AB इक्वल टू क्या QR अपॉन क्या BC। अब देखो जो दे रखा पुट करो, PQ निकालना है, AB ऑलरेडी कितना दे रखा भाई 7.5, और QR है कितना गया 24, और BC 5, तो यहाँ से निकल जाएगा, ठीक है, इसका क्लियर हो गया भाई। इसका इसको इस तरीके से तो बना सकते हो आप, इसको इस तरीके से बना सकते हैं, एक ही फिगर में से काम चल जाएगा। ये टावर है, ये रहा सन्स एल्टीट्यूड, यहीं पे कहीं पे रख दो खंभों को, पोल को रख दो, ये हो गया 7.5, और ये एक्स हो गया, ये यहाँ से यहाँ तक कितना दे रखा 24, शैडो इसका शैडो 24, और इसका शैडो कितना दे रखा 5। तुम ऐसे भी बना सकते हो है ना, ये हो गया तुम्हारा पी क्यू आर है ना भाई, और ये क्या हो गया ए बी आर, दो ट्रायंगल, तो यहाँ से क्या पी क्यू आर ए बी आर बोलो, तो यहाँ से क्या लोगे पी क्यू अपॉन ए बी इक्वल टू क्या क्यू आर अपॉन क्या रे बी आर, बस यहाँ से निकाल दोगे, पी क्यू निकालना था, दो दो फिगर बन सकते हैं, ठीक है। अब सेकेंड क्वेश्चन बता रहा हूँ, सेकेंड क्वेश्चन वीडियो रोक के सेकेंड क्वेश्चन ढंग से पढ़ दो पहले, फिर वीडियो कंटिन्यू करो। टू एरोप्लेन स्टार्ट, आपको पता है आपने ज्योग्राफी भी पढ़ा होगा, ये ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ है ना, तो दो एरोप्लेन है, एक किधर को जा रहा है स्पीड ऑफ फर्स्ट नॉर्थ, नॉर्थ की तरफ जा रहा है स्पीड, देख लो 500 किलोमीटर पर आवर, तो मैं थोड़ा सा नीचे बना लो तो इसको है ना, ये देखो नॉर्थ की तरफ जा रहा है, और एक किधर जा रहा है भाई, और दूसरा वाला जा रहा है ईस्ट की तरफ, ईस्ट तो इधर हो गया। अब ये स्पीड कितना है 500 सारा किलोमीटर पर आवर में है, और ये वाला कितना है 650 किलोमीटर पर आवर, राइट, कहना 2 घंटे के बाद इनके बीच का डिस्टेंस कितना हो गया, मान लो ये ओ से चला था, ये आ गया पी पे और ये आ गया क्यू पे है ना, लैंग्वेज में बोल रहा हूँ, लिखवा तो नहीं रहा हूँ पर समझ लो, सुन लो ध्यान से है ना। तो ये डिस्टेंस आपको पी क्यू फाइंड आउट करना है कि इनके बीच की दूरी कितनी होगी, डिस्टेंस बिटवीन देन आफ्टर 2 आवर्स, राइट, तो पी क्यू इक्वल टू वाट। तो पहले एक बार बताओ, यहाँ से पी क्यू स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, ये पी क्यू इक्वल टू क्या होगा पी ओ स्क्वायर प्लस ओ क्यू स्क्वायर होगा कि नहीं होगा। तो पहले एक बार बताओ, पी ओ, ओ क्यू और पी ओ, ये तो क्या है, ये तो स्पीड है ना, इसको मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ, फार्मूला क्या पढ़ा था, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम, यही पढ़ा था ना, स्पीड इंटू टाइम, स्पीड 650 है, टाइम 2 आवर ना, इसका कितना है दोनों का 2 आवर,
तो मैं क्या लूँ यहाँ पे, पी ओ की जगह मैं क्या लूँ, ये थाउजेंड हो गया एक, तो थाउजेंड का स्क्वायर, और ये कितना हो गया 1300 का स्क्वायर। आपको पता है ये दो जीरो, 100 बाहर निकल जाएगा, 10 का स्क्वायर प्लस 13 का स्क्वायर, तो 100 बाहर निकल गया भाई, तो 169 ये, और एक जीरो और बाहर आ जाएगा 169, है ना। इसके बाद हो गया आंसर, आंसर सब कुछ किस में आएगा, किलोमीटर, क्योंकि किलोमीटर में मैंने लिया हुआ है सब कुछ, तो ये हो गया क्लियर। ये देखो, उम्मीद है समझ गए होगे भाई। अब आ जाइए इस पर थर्ड क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर थर्ड, फिगर ढंग से पढ़ दो, तरीका तो वही है, और ये बड़ा अनोखा क्वेश्चन है वैसे। ये देखिए आप, फिर से फिगर बना लेता हूँ, साथ में तुम समझ भी जाना कि क्या क्वेश्चन कह रहा है। ए बी सी डी और ई के बारे में कह रखा है, ये ट्राइसेक्ट कर रहा है, तीन इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। ट्राइसेक्ट का तो यही मतलब होता है ना, तीन इक्वल पार्ट में डिवाइड करना, ट्राइसेक्ट, ये डी और ये ई, ठीक है। अब ये ट्राइसेक्ट कर रहा है, मीन्स डी डी इक्वल टू डी ई इक्वल टू ई सी। अब क्या प्रूव करना है, तुम देख रहे हो ना, ठीक है ना, ये परपेंडिकुलर है, जो प्रूव करना देख लो। इसका तरीका क्या, पहले एक बात बताओ, ये तीनों इक्वल है तो इसको ए ए ए मान लेता हूँ, राइट, और इसको मैं एच मान लेता हूँ। तो पहले बताइए एल एच एस में क्या दे रखा, एल एच एस में 8 ए ई स्क्वायर है ना, तो बताओ पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करो, ए ई स्क्वायर कहाँ है, ए ई स्क्वायर इस वाले ट्रायंगल में क्या हो जाएगा, रही एच स्क्वायर, एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और बी ई क्या 2a है ना, बोलो, तो 8h स्क्वायर, और सॉरी 2a स्क्वायर, देखो मैंने क्या गड़बड़ कर दिया, 8ae स्क्वायर को पाइथागोरस थ्योरम से पहले मैं लिख लेता हूँ, ए बी स्क्वायर प्लस बी ई स्क्वायर, पहले मैं ऐसा लिख लेता हूँ, 8ae स्क्वायर को h हमने लेट किया हुआ है, बी ई 2a का होल स्क्वायर ना, देखिए आप, है ना, तो ये कितना हो गया 8h स्क्वायर, 4 8 4 32 ए स्क्वायर, ये हो गया हमारा LHS, तुम देख रहे हो, देख। अब आता हूँ RHS पे, ठीक है, क्लियर हो गया। अब देखिए RHS, अब मैं ये दो क्वेश्चन, जरूरत नहीं इसको मैं मिटा देता हूँ। RHS में क्या है, देखो तो 8 3 AC स्क्वायर, यहाँ पे AC स्क्वायर है, RHS 3 AC स्क्वायर प्लस 5 AD स्क्वायर, यही है ना, इसको भी इसके इक्वल करना है, देखता हूँ होता कि नहीं होता। AC का है क्या है, AC स्क्वायर को तुम क्या लिख सकते हो, AB स्क्वायर प्लस ये BC स्क्वायर, तो 3 क्या रे, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, 5 AD स्क्वायर को क्या लिख सकते हो, AD स्क्वायर को AB स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, AB स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हो, है ना। अब ज़रा बताइए तो 3AB की जगह AB क्या लट किया हुआ, H स्क्वायर, और BC AAA 3A, तो 3A का स्क्वायर करोगे तो 9A स्क्वायर होगा, 3A का स्क्वायर करोगे तो 9A स्क्वायर प्लस 5, फिर से ये H स्क्वायर, और BD ढूंढो A प्लस A स्क्वायर, तो क्या हो गया 3H स्क्वायर, और 9 3 27 A स्क्वायर प्लस 5H स्क्वायर प्लस 5 A स्क्वायर हो गया। H स्क्वायर कितने सारे हो गए, 3 इधर से 5 इधर से, कितने हो गए 8H स्क्वायर, देख रहे हो ये, और ये 5 और 27 32 A स्क्वायर, राइट। अब LHS इक्वल टू RHS, हैंस प्रूव, क्लियर, ठीक है। कुछ और क्वेश्चन बता रहा हूँ अभी, अब देखिए तीन क्वेश्चन और देखिए, है ना, पहले उस वाले क्वेश्चन को देखो, पहले मैं फोर्थ क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ। फोर्थ क्वेश्चन ऐसा फिगर बना हुआ है, ऐसा फिगर बना हुआ है, यहाँ से परपेंडिकुलर है, मैं यहीं पे पहले रोक देता हूँ, यहाँ पे रुक के देखो आप, ए बी सी, यहाँ पे डी है, आपने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ा है, आपको याद है प्रॉपर्टीज ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, ये एंगल और ये एंगल इक्वल होता था कि नहीं, और ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होता था, तुम देखो जाके पाइथागोरस थ्योरम में, ठीक है। खैर, यहाँ से ये भी परपेंडिकुलर डाला हुआ है जिसको इन्होंने एम बोला हुआ है, यहाँ से ये भी परपेंडिकुलर डाला हुआ है जिसको एन, ये 90 ये 90 ये 90 है ना, तो बचा खुचा ये भी 90, तो यहाँ पे क्या हो गया, क्लियरली कोई प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है, बी एम डी एन इज क्या, रेक्टेंगल, बताने की ज़रूरत है भाई,
तीन एंगल 90 है तो चौथा क्या अलग हो जाएगा क्या, 360 ही तो ना, 360 होता है क्वाड्रिलेटरल में। अब मैं ट्रायंगल ले लेता हूँ क्योंकि जो प्रूव करना है ना उस पर नज़र डाल दो, है ना। ट्रायंगल, उसके लिए मुझे ट्रायंगल लेना पड़ेगा बी एंड डी एंड ट्रायंगल एम डी सी। मैंने ये वाला ट्रायंगल लिया और ये वाला ट्रायंगल लिया, तो आपको पता है एंगल एन डी एन बी डी एन बी डी इक्वल टू एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल डी सी एम। क्यों? बस लिख दो प्रॉपर्टीज़ ऑफ राइट ट्रायंगल, ये लिख दीजिए काफ़ी, ठीक है। ये और ये इक्वल हो गया और ये और ये 90 डिग्री है, एंगल डी एन बी इक्वल टू एंगल डी एम सी इक्वल टू 90 डिग्री, ये है। तो क्या ए ए सिमिलरिटी रूल से सिमिलर हो गया बी एन डी, ट्रायंगल बी एन डी सिमिलर टू ट्रायंगल एन 90 डिग्री है तो 90 डिग्री के सामने 90 डिग्री एम बीच में रखना पड़ेगा भाई, है ना। बी सी के बराबर है, बी शुरू में सी यहाँ पे रखना पड़ेगा और बच गया गया डी। अब जो प्रूव करना है उस पर नज़र डालो, डी एम कहाँ पे है, यहाँ पे डी एम, डी एम और बी एन इक्वल है कि नहीं बताओ। क्यों? क्योंकि ये रेक्टेंगल हो गया ना, ये ध्यान रखना। और मुझे क्या चाहिए, डी एन चाहिए, डी एन तो दिख रहा, डी एन या बी एम कुछ भी कर लो, डी एन चाहिए। और क्या चाहिए, एम सी, चलो, है ना। तो हमें ये इस पर कंसनट्रेट करना है, इस पर कंसनट्रेट करना है और इस पर कंसनट्रेट करना है, इस पर कंसनट्रेट करना है ना। डी एम स्क्वायर है, पहले मैं बी एन ले लेता हूँ, उससे डी एन आ जाएगा क्योंकि बी एन इक्वल टू डी एम, राइट। तो बी एन, तो बी एन के साथ क्या लेना पड़ेगा, सी एम, ठीक है। और मुझे क्या चाहिए, डी एन भी चाहिए, तो डी एन तो यहीं से आएगा ना, तो डी एन लास्ट के दो अपॉन के एम डी। एम डी जो है उसमें कहीं प्रूफ है क्या, एम डी तो कहीं है ही नहीं। अच्छा चलो, एम डी तो है, बी एन बल्कि नहीं है, है ना। तो बी एन की जगह मैं क्या रख लूँ, बी एन की जगह क्या रख लूँ, एम डी रख लूँ कि नहीं बताओ। एम डी अपॉन सी एम है क्या, बिल्कुल है, एम सी इक्वल टू डी एन, वो भी है डी एन और ये हो गया एम डी। अब जरा ये देखो, मैंने बी एन की जगह क्या लिखा, बी एन इक्वल टू एम डी। क्यों? क्योंकि पहले ही हो चुका रेक्टेंगल है, अपोजिट साइड्स इक्वल, राइट। तो यहाँ से क्या हो गया, एम डी स्क्वायर इक्वल टू एम सी इंटू डी एन। ये देखिए आप, क्लियर है, ये देखो तो मिटा दो। सेकेंड क्वेश्चन ढंग से पढ़ लो पहले। सेकेंड क्वेश्चन पढ़ लिया। अब देखो सेकेंड क्वेश्चन बड़ा कॉमन सा क्वेश्चन है, मैं यहां पे बता देता हूं। सेकेंड क्वेश्चन बड़ा कॉमन सा क्वेश्चन है कि ये ऐसा दे रखा एबीसी, ये एक एंगुलर बाइसेक्टर है डी, मतलब ये एंगल सेम है, तो क्या प्रूव करना है, बी ए, ये प्रूव करना है बी ए अपॉन ए सी, ये यहाँ से यहाँ, तो यहाँ से यहाँ इक्वल टू क्या, बी डी अपॉन डी सी, ये प्रूव करना है, ठीक है। यहाँ पे आपको कंस्ट्रक्शन लेके चलना पड़ेगा, कंस्ट्रक्शन, इसको आगे बढ़ो, ठीक है, इसको ऐसे ज्वाइन कर दो, इसको बोल दो ई, ये हो गया कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में क्या हुआ कि प्रोड्यूस बी ए टू ई सच दैट ई सी पैरेलल टू ए डी, क्योंकि तुम पढ़ रहे हो सिमिलर ट्रायंगल, पैरेलल तो करना पड़ेगा, क्लियर है, ये हो गया पैरेलल, ठीक है ना भाई। अगर एक बात बताओ, पैरेलल तो कर दिया, ये वाला और ये वाला हो गया पैरेलल, ये हो गया ट्रांसवर्सल लाइन, इसको मैं कहता हूँ ए बाई टू, क्योंकि एंगुलर बाइसेक्टर है। क्वेश्चन तुमने ढंग से देख लिया होगा, ये एंगुलर बाइसेक्टर है, क्वेश्चन ढंग से देख लिया है ना, ये अगर ये ए बाई टू है, ये वाला अगर ए बाई टू है तो ये वाला भी क्या हो जाएगा, ए बाई टू, राइट। अगर ये ए बाई टू है तो ये वाला भी क्या हो जाएगा, ए बाई टू। क्यों? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, जरा एक बार बताओ, एंगल बी ए डी इक्वल टू एंगल बी ई सी। क्यों? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, कॉरस्पॉन्डिंग, समझ गए तुम, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, क्योंकि जब दो लाइन पैरेलल होता है ना, तो ये और ये एंगल, अब यहाँ पे इस तरीके से है
तो जाहिर है ये वाला क्या होगा, इक्वल होगा, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल जानते हो ना। इसके बाद ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, एंगल डी ए सी इक्वल टू एंगल ए सी ई, क्यों, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, तुम देख रहे हो। अब जरा एक बार बताओ, ये दोनों एंगल सेम हो गया तो दोनों साइड, तो देयर फोर यहाँ पे क्या हो गया, ए ई इक्वल टू क्या, ए सी, क्यों, अपोजिट एंगल इक्वल, अपोजिट एंगल्स इक्वल, जब अपोजिट एंगल इक्वल है तो देख लो, है ना। अब जरा आ जाओ, ध्यान सुनना, इस पे आता हूँ, बीपीटी पे, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम पढ़ा था ना, थेल्स थ्योरम है ना, पढ़ा था ना। अब जरा एक बात बताओ, मैं इस फिगर को ढंग से बना रहा था, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ये देखो ऐसे, यहाँ पे ए था, यहाँ पे ई है और यहाँ पे सी है, और बीच में ऐसे था जिसको ए और डी, ए और डी, बहुत ध्यान से सुन लो। तो क्या था, ये और ये पैरेलल था, तो बीपीटी क्या कहता है, दिस अपॉन दिस इक्वल टू दिस अपॉन दिस, कहता है कि नहीं कहता। तो बताओ, तो यहाँ बीपीटी मैं यूज़ कर रहा हूँ, बीपीटी, तो मैं यहाँ पे लिख दूँ, ये सॉरी यहाँ पे बी था, यहाँ पे बी और यहाँ पे ए, तुम देखो वहाँ पे, तो क्या लिखूँ, बी ए अपॉन ए ई इक्वल टू बी डी अपॉन डी सी, है ना। अब बताइए, ए ई को मैं ए सी लिख सकता हूँ, ए ई और ए सी इक्वल है ना, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, देखो देयरफॉर बी ए अपॉन ए ई को मैं क्या लिख दूँ, ए सी इक्वल टू बी डी अपॉन क्या, डी सी, और यही प्रूव करना था ना, देखो ये समझ में आ गया, ये यहाँ पे ये अप्लाई किया है ना, यही प्रूव करना था कि नहीं, देखो बी ए अपॉन ए सी, हैंस प्रूव, ठीक है। अब आता हूँ लास्ट वाले क्वेश्चन पे, लास्ट, ये समझ में आ गया रे, फोटो खींचो, फोटो जल्दी से, ठीक है चलो। अब ये देखिए लास्ट वाले पहले, ये रहा लास्ट, लास्ट के लिए क्वेश्चन नंबर फिफ्थ का ही बात का, फिफ्थ क्वेश्चन में देखिए आप, अभी थोड़ी देर पहले ही प्रूव किया था ए बी सी था, तो ये एंगुलर बाइसेक्टर है, ठीक है, ये डी है, तो क्या प्रूव करना है, ये तुम्हारे सामने जो प्रूव करना है ये है, इस क्वेश्चन के लिए ये वाला प्रूव करना है, इसी क्वेश्चन के लिए जो फिफ्थ क्वेश्चन था, एरिया ऑफ दिस, है ना। तो मैं काम कर लेता हूँ, एंगुलर बाइसेक्टर, ये एंगुलर बाइसेक्टर ऐसा बना लेता हूँ, ये थीटा थीटा तुम समझो एंगुलर बाइसेक्टर था, हालांकि ये ए बाई टू था, ए बाई टू था, ठीक है ना, ये था, समझ गए ना बात। अब यहाँ पे एरिया निकालना तो परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ेगा, तो परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया, इसको मैंने एम कह लिया, डी यहाँ पे रह गया, है ना। एरिया ऑफ ए बी डी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ए सी डी, अगर दिखाई नहीं दे रहा तो सुन लिया करो, मेरा राइटिंग का जानते ही हो, हाफ इंटू बेस, इस वाले के लिए बेस क्या लोगे, बी डी, तो इस बेस पे हाइट क्या लोगे, ए एम, हाफ इंटू इस वाले के लिए बेस मैं लेता हूँ डी सी, तो हाइट क्या लूँगा, हाइट तो यही वाला चलेगा ना, उसके लिए भी इस बेस पे हाइट तो यहीं से लेना पड़ेगा ना, तो ए एम, तो क्या हो गया, देखो तो हाफ हाफ कैंसिल, तो क्या हो गया, बी डी अपॉन डी सी, क्लियर है। एरिया ऑफ दिस अपॉन एरिया ऑफ दैट, वी नो दैट, वी नो दैट इन केस ऑफ एंगुलर बाइसेक्टर, है ना, बी ए अपॉन ए सी इक्वल टू क्या, बी डी अपॉन डी सी, अभी थोड़ी देर पहले प्रूव किया था कि नहीं, बस यहाँ पे अप्लाई कीजिए, तो देयरफॉर एरिया अपॉन एरिया, पता है कौन सा, ये खुद लिख लेना, तो क्या हो गया, बी डी अपॉन डी सी की जगह मैं क्या रख दूँ, बी ए अपॉन ए सी, हैंस प्रूफ। बस ये आपका डाउट्स था। नेक्स्ट टॉपिक आपका हम बताने वाले हैं सिक्वेंट एंड सीरीज, ठीक है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, थोड़ा सा पढ़ के रखना।